फाइनली दोस्तों, ओनर ने कल चाइना में 70 सीरीज को अनाउंस कर दिया है, जहां पे इसके एक साथ तीन मॉडल लॉन्च किए गए हैं, ओनर 70, ओनर 70 प्रो एंड ओनर 70 प्रो प्लस। प्रो प्लस वाला मॉडल पहली बार इस सीरीज में लॉन्च हुआ है। बाकी अगर ओनर 70 एंड ओनर 70 प्रो के बारे में बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन अपने प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज लेकिन नहीं आई है, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की गई है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली ओनर 70 सीरीज में लॉन्च हुए तीनों स्मार्टफोन से जुड़ी आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रखे गए हैं, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलता है, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया गया है एंड क्या ये सीरीज इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं। इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी ओनर 70 सीरीज के रिगार्डिंग। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। सो हाई गाइज, मैं हूँ अविनाश, टेक अवे के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम इन तीनों स्मार्टफोन में से ओनर 70 के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन से। तो गाइस, यहाँ पे 6.67 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे DCI-P3 कलर गैमिट का भी सपोर्ट दिया गया है। सामने की तरफ यहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन दी गई है, सेंटर में छोटा सा पंच होल का कटआउट है जिसमें कि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की साइड यहाँ पे तीन कैमरा दिए गए हैं। मेन सेंसर 54 मेगापिक्सल का है जो कि सोनी का IMX800 वाला सेंसर है। पहली बार ये सेंसर इसी सीरीज में देखने को मिल रहा है। दूसरा सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करें तो ये 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक माइक्रो लेंस है। गाइज, यहाँ पे 4800 mAh की बैटरी दी गई है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और यहाँ पे 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट दिए गए हैं। NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है। स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं और गेमिंग के लिए यहाँ पे GPU टर्बो X नाम का गेमिंग मोड भी दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है एंड मैजिक UI 6.1 के ऊपर रन करता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो पहले लीक्स निकल के आ रहे थे कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का चिपसेट देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G प्लस का चिपसेट लगा है जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है एंड 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है। यहाँ पे गाइज LPDDR4X का RAM दिया गया है एंड UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। तो गाइज, यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसे 8GB 256GB, 12GB 256GB एंड 12GB 512GB के तीन मॉडल में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 8GB 256GB, इसकी प्राइस चाइना में 2699 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 31,000 इसकी प्राइस निकलती है। सेकेंड मॉडल को 35,000 में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 39,000 रखी गई है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से इसकी डिसेंट रखी गई है। मैं इसे बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा ना ही ख़राब कह रहा हूँ। अगर एक 2000 रुपये से प्राइस और कम रखी जाती चाइना में तो प्राइस मेरे हिसाब से इसकी एग्रेसिव होती। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं ओनर 70 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में। इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में एक साथ ही बात करेंगे क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन में सिर्फ चिपसेट को चेंज किया गया है, बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम ही रखी गई है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के सभी कन्फर्म स्पेक्स से। तो गाइस, इन दोनों फोन में 6.78 इंच का FHD प्लस OLED डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों यहां पे भी DCI-P3 कलर गैमिट का सपोर्ट दिया गया है। सामने की तरफ इन दोनों फोन में क्वाड कप डिस्प्ले दिया गया, मतलब चारों साइड से कप स्क्रीन देखने को मिलती है। सेंटर में पंच होल का कटआउट है जिसमें कि इन दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे एक साइड इन दोनों फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। जो मेन सेंसर है वो 54 मेगापिक्सल का है जो कि सोनी का IMX800 वाला सेंसर है और यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। दूसरा सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक टेलीफोटो लेंस है और यहाँ पे भी OIS का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों इन दोनों फोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है, टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और इन दोनों फोन में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट दिए गए हैं। सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। डुअल सिम कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। हैप्टिक के लिए इन दोनों फोन में एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी दिया गया है। स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं और इन दोनों फोन में भी गेमिंग के लिए GPU टर्बो X नाम का गेमिंग मोड दिया गया है। दोनों फोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है एंड मैजिक UI 6.1 के ऊपर रन करता है।
परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो ओनर 70 प्रो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 वाला चिपसेट लगा है। वहीं अगर ओनर 70 प्रो प्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 वाला चिपसेट लगा है। इन दोनों फोन में LPDDR5 का रैम दिया गया है एंड UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। तो गाइस यही थे इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ओनर 70 प्रो को 8GB 256GB 12GB 256GB and 12GB 512GB के तीन मॉडल में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 8GB 256GB, इसकी प्राइस चाइना में 3699 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 43,000 इसकी प्राइस निकलती है। सेकेंड मॉडल को 46,000 रखी गई है एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 51,000 रखी गई है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से इसकी भी 2-3 हज़ार रुपये से अधिक रखी गई है। ओनर 70 प्रो प्लस के बारे में बात करें तो इसे 8GB 256GB and 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 8GB 256GB, इसकी प्राइस 4,299 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 50,000 इसकी प्राइस निकलती है। सेकेंड मॉडल को 53,000 में लॉन्च किया गया है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से इन तीनों स्मार्टफोन की थोड़ी सी अधिक रखी गई है, 2-3 हज़ार रुपये से अधिक रखी गई है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों क्या ये सीरीज इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं, तो दोस्तों ओनर की तरफ से अभी तक इस सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन इंडियन सर्टिफिकेशन साइट को क्लियर किया है। और आपको पता है कि ओनर लगभग 2-2.5 साल से अपना फ़ोन इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज भी इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे इस सीरीज के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कुछ भी चीज़ें सामने निकल के आती है तो मैं अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आती है डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।